इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्मार्ट पटना की ये तस्वीर। महज मानसून की पहली बारिश ने पटना को पानी पानी कर दिया है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह ये इलाका जो है जलजमाव हो गया है। इस इलाके में पिछले साल इसी इलाके में भारी जलजमाव के कारण नाव चलानी पड़ी थी और ठीक एक साल के बाद इस इलाके में फिर से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार सरकारें दावा करती हैं कि इस बार जलजमाव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सरकार की सभी दावे फेल होते नजर आती हैं। कितना दिक्कत होता है चाची? बहुत पानी में बहुत दिक्कत हो है, इतना तकलीफ हो जाए कि लोग का बताओ, कामो धंधा नहीं चले हैं जो लोग कोनो काम कर सके। वोट मांगने आता है लोग, तुम लोग से क्यों नहीं बोलती हैं कि जल जमाव का समस्या हर एक साल रहता है? किसका बोले, कोई सुनता है? खाली वोट ले पर रहता है, कोई सुनबो करता है? गरीब आदमी के इतना लोग टन हुआ से कुछ देबो नहीं किया, अकेले 100 ग्राम चावल नहीं दिया। हम लोग कैसे स्थिति इस इलाके में बना हुआ है? ये तो जब से हम 300 साल से हम देख रहे हैं, जब पटना में आए हैं ना तो यही देख रहे हैं कि लीला हो रहा है पानी। तो आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का जो कहना है कि ये समस्याएं लगातार हैं, 300 साल से समस्याएं हैं, लेकिन हर एक साल सरकार दावा करती है कि इस बार जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन सरकार के तमाम दावे फेल होते नजर आ जाते हैं। कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत बहुत हेवी हो रहा है, पानी लगा हुआ है, गड्ढा गुड्ढी है, पैसेंजर तो नहीं मिलता, पैसेंजर नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है, न कमाने का ठीक, न खाने का ठीक, न पीने का ठीक। लॉकडाउन में 2 महीना बेरोजगार, लॉकडाउन में 2 महीना बेरोजगार रहे हैं, सवारी खोज रहे हैं, एक दुकान मिल रहा है जहाँ तहाँ। तो सभी को दिक्कत है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, इस जलजमाव से काफ़ी परेशान हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जैसे ही जानकारी मिली कि पटना के कुछ इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उन्होंने औचक निरीक्षण करने पहुंचे और कई इलाकों में घूमे। तेजस्वी यादव भी कई इलाकों में का दौरा किया और उन्होंने सरकार पर जम के निशाना साधा कि सरकार दावे करती हैं लेकिन जो जलजमाव की स्थिति है वो हमेशा बरकरार रहती है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह जो इलाका है जलमग्न है, पूरा इलाका पानी पानी है। मानसून की पहली बारिश ने ही पटना को पानी पानी कर दिया है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यही सिचुएशन यही बरकरार रहता है तो आने वाले दिनों में फिर से एक बार पटना में बोट चलाने की नौबत आ सकती है।